दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज रविवार का दिन है। आज काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुँचे हुए हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हरिद्वार हर की पैड़ी के जो ताज़ा दृश्य हैं वो दिखाएंगे। पिछले दो दिन से अच्छी खासी बारिश हरिद्वार में हो रही है और इस समय एक बार फिर से बारिश जो है तेज़ हो चुकी है। तो बने रहे हमारे साथ और हर की पैड़ी के सुंदर दृश्य देखेंगे। तो आइए चलते हैं। दोस्तों आज रविवार का दिन है, इस वजह से आज काफ़ी ज़्यादा संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं और थोड़ी देर में हर की पैड़ी के प्रमुख जो स्थान हैं वहां पर मैं पहुंच जाऊंगा। तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इसी तरह लगातार हरिद्वार ऋषिकेश से माँ गंगे के दर्शन करना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि लगातार हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो आप लोग देखते रहें। आज एक बार फिर से जो श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। अब मैं संजय पुल में पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं ये संजय पुल है, यहां भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आपको नज़र आ रहे होंगे। मौसम बहुत ही अच्छा है, पिछले तीन दिन हो चुके हैं हरिद्वार का जो मौसम है बहुत ही अच्छा है, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों अब सबसे पहले हम नाई घाट के सुंदर दृश्य देखेंगे। नाई घाट में आपको बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं और उससे ज़्यादा जो कांवड़ यात्रा पर आए हुए श्रद्धालु नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुँचे हैं। बीच में कांवड़ यात्रा पर आने वाले लोगों की संख्या कम हुई थी लेकिन अब फिर से एक बार बढ़ चुकी है। अब चलते हैं हर की पैड़ी का जो मुख्य घाट है, ब्रह्मकुंड घाट और घंटाघर घाट, उसको देखेंगे। दोस्तों यहां से देख सकते हैं ये घंटाघर घाट के ताज़ा दृश्य हैं। समय की बात करें तो इस समय 10 बज रहे हैं। 31 जुलाई की ये वीडियो है, रविवार का दिन है। आप सभी माँ गंगे के दर्शन कर रहे हैं और हरिद्वार हर की पैड़ी के जो ताज़ा दृश्य हैं इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करने के साथ आगे शेयर कर दें, क्योंकि आज रविवार का दिन है, ज़्यादा लोग घर पर होंगे तो लोग हरिद्वार हर की पैड़ी के जो ताज़ा दृश्य हैं वो देख सकेंगे। तो आप लोग शेयर जरूर करें। परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप सभी अपने जूता चप्पल बाहर बने हुए जूता स्टॉल पर ही। यहाँ पर देख सकते हैं ये है घंटाघर घाट, ब्रह्मकुंड घाट। इस तरफ ब्रह्मकुंड घाट के ताज़ा दृश्य देखें। सुरक्षा आज भी गंगा जल का जो बहाव है हर की पैड़ी में तो कम है। दोस्तों अब नीचे चलते हैं घाट पर और वहां से देखेंगे। बीच में श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो कम होने लगी थी लेकिन एक बार फिर से कल के दिन भी अच्छे खासे श्रद्धालु थे और आज भी आज तो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। वीडियो शेयर ज़रूर करें, आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग माँ गंगे के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं
पवित्र गंगा जल में इस समय स्नान चल रहा है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं घंटाघर घाट में काफ़ी ज़्यादा संख्या में कांवड़िए नज़र आ रहे हैं और कांवड़ की इस समय पूजा चल रही है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग हरिद्वार आते हैं या किसी भी पवित्र स्थान में जाते हैं तो सफाई का विशेष ध्यान रखें, ऐसे स्थानों पर गंदगी बिल्कुल ना करें। दोस्तों यहां पर डाक कांवड़ की पूजा हो रही है और उसके बाद यात्रा शुरू होगी। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं मालवीय घाट में, देख सकते हैं ये मालवीय घाट के ताज़ा दृश्य हैं। बारिश लगातार चालू है, हालांकि धीरे धीरे हो रही है, लेकिन दो दिन पिछले काफ़ी अच्छी खासी बारिश हरिद्वार में हुई है। तो दोस्तों फाइनली एक अच्छी जगह पर मैं पहुंच चुका हूं। आप इस समय देख सकते हैं माँ गंगे की जहां पर चौड़ी धारा है उस तरफ से माँ गंगे के दर्शन करें और कमेंट में जय गंगे माता ज़रूर लिखें। दोस्तों घंटाघर घाट में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन मालवीय घाट में काफ़ी स्पेस खाली है और अब उतनी भीड़ नहीं होनी है जितनी कांवड़ यात्रा के पीक समय पर हुई थी 24, 25, 26, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती रहेगी। संडे का दिन है और इतनी भीड़ तो होगी ही होगी, तो अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, माँ गंगे के दर्शन आप सभी ने कर लिए हैं तो बस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन कर पाएँ। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।